हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। ठंड में तो आलू की कचौड़ी खाने का स्वाद ही अलग है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने आलू को फोड़ लिया है अच्छे से उबाल के, और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। और अब मैं धनिया डाल रही हूँ बारीक कटे हुए, और अब मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। ये गरम मसाला है, और आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, मैंने आटा पहले ही लगा लिया था। अब लोई बना के थोड़ा सा उसे बेल लीजिए, और इसी के बीच में आलू रख लीजिए, और इसे अच्छे से जो है कि आलू को लोई के अंदर पैक कर दीजिए। ये देखिए, हो गई, बन गई हमारी लोई। और इसे थोड़ा सा बेल लीजिए, और आप रिफाइंड तेल जिसमें भी आप चाहते उसमें छान सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में एक लगा सकते हैं। मेरी कढ़ाई बड़ी थी, तो मैंने एक बार में जो है कि चार लगा ली। ये देखिए, एक साइड से हमारी कचौड़ी सुनहरी हो चुकी है, इसलिए हम इसको अब दूसरी साइड पलट रहे हैं। ये देखिए, दोनों साइड से कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, सुनहरी हो गई, और कितनी अच्छी से फूली हुई भी हैं ये कचौड़ियाँ। ये देखिए, हमारी कचौड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब आप अपने फैमिली के साथ खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।